अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर WWE के अंदर टाइसन फ्यूरी के रिटर्न को लेकर टाइसन फ्यूरी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी गए। WWE का एक बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली LWO फैक्शन को ज्वाइन करने वाला है। WWE में न्यू टाइटल आने को लेकर बैश जैसी काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। विल ऑस्प्रे के WWE कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर विल ऑस्प्रे का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। CM Punk के WWE पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर WWE के एक बड़े प्रोड्यूसर का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे CM Punk की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW से CM Punk के फायर्ड होने के बाद इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही गए कि पॉसिबली WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपरव्यू के ऊपर CM Punk WWE पर कमबैक करने वाले हैं। और गाइस यही CM Punk के WWE रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद अभी सबसे WWE के हायर प्रोड्यूसर और WWE के हॉल ऑफ फेमर रोड डॉग के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर रोड डॉग ने CM Punk के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर रोड डॉग का यह कहना है कि CM Punk के AEW से फायर्ड होने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि CM Punk की रेपुटेशन खराब हो चुकी है और गाइस पॉसिबली कोई भी कंपनी CM Punk को नहीं लेगी। बट गाइस यहां पर जब तक CM Punk के आने से किसी भी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है तो गाइस यहां पर वो कंपनी CM Punk को डेफिनेटली लेगी। और गाइस क्योंकि अभी भी CM Punk उनका काफी सारा हार्डकोर फैन बेस कैरी करते गए, तो गाइस इसीलिए रोड डॉग को भी लगता है कि अगर WWE कंपनी चाहे तो वो यहां पर CM Punk को वापस ला सकती गए, क्योंकि गाइस यहां पर रोड डॉग का ये कहना है कि एक्चुअली यहां पर AEW के बैक स्टेज पर पंक के साथ क्या कुछ हुआ था ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ CM Punk जानते गए। और गाइस क्योंकि अभी तक किसी को AEW की पूरी सच्चाई नहीं मालूम है तो गाइस इसीलिए पंक को गलत कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और गाइस रोड डॉग ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली CM Punk WWE के ऊपर वापस आने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रोड डॉग के CM Punk के रिटर्न को टीच करने के बाद पंक यहां पर सच में वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस इस हफ्ते फेमस बॉक्सर टाइसन फ्यूरी के WWE पर रिटर्न होने को लेकर फ्यूरी की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ दिनों पहले टाइसन फ्यूरी के इंटरव्यू के अंदर टाइसन फ्यूरी ने उनके WWE रिटर्न को लेकर बात की थी, जहां पर टाइसन फ्यूरी का ये कहना था कि वो यहां पर WWE के अंदर और भी काम करना चाहते हैं। और यहीं इस हफ्ते एक बार फिर से फ्यूरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टाइसन फ्यूरी ने रेसलिंग और बॉक्सिंग को लेकर बात की गई, जहां पर टाइसन फ्यूरी का यह कहना है कि वैसे तो काफी सारे लोग रेसलिंग को फेक कहते गए, बट गाइस यहां पर टाइसन फ्यूरी के रेसलिंग में एक मैच को रेसल करने के बाद टाइसन फ्यूरी को पर्सनली ये लगता है कि बॉक्सिंग यहां पर रेसलिंग के मुकाबले काफी आसान है, क्योंकि गाइस बॉक्सिंग के अंदर फाइटर्स को सिर्फ मुक्के मारने होते गए, बट गाइस रेसलिंग के अंदर रेसलर्स एक दूसरे को उठाकर एक कोने से दूसरे कोने पटकते गए और गाइस रेसलिंग के अंदर रेसलर्स को काफी ज्यादा चोट लगती गए। और गाइस यहां पर टाइसन फ्यूरी को नहीं लगता है कि रेसलिंग बिजनेस कहीं से भी पूरी तरह से फेक है, और गाइस इसीलिए इसी चीज को देखते हुए टाइसन फ्यूरी WWE के अंदर काम करना चाहते गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फ्यूरी WWE के ऊपर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार लेसी इवांस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेसी इवांस को WWE कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और यही लेसी इवांस के WWE कंपनी को क्विट करने के बाद अभी सबसे लेसी इवांस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर लेसी इवांस ने WWE के बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। यहां पर लेसी इवांस का यह कहना है कि वैसे तो AEW के अंदर बैक स्टेज ब्रॉल को लेकर काफी सारी न्यूज चलती गए, बट गाइस यहां पर WWE के अंदर भी लेसी इवांस ने काफी बार बैक स्टेज के ऊपर मल्टीपल फाइट की गए। और गाइस WWE के लॉकर रूम के अंदर काफी बार WWE के रेसलर्स के लेसी इवांस से बदतमीजी करने के बाद लेसी इवांस ने WWE के मल्टीपल रेसलर को पीट डाला है। और गाइस यहां पर लेसी इवांस का यह कहना है कि WWE के लॉकर रूम के अंदर भी मल्टीपल बैक स्टेज फाइट होती गई, बट गाइस यहां पर यह सभी चीजें कभी भी बाहर नहीं आती गई। और गाइस लेसी इवांस का यह कहना है कि काफी बार बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर के साथ वर्बल अक्यूजेशन होने के बाद लेसी इवांस और रेसलर्स के बीच में हाथापाई हो चुकी गए और इन्हीं सभी चीजों के परेशान हो गए। अब यहां पर लेसी इवांस WWE कंप्लीट कर चुकी गई। वेल गाइस यहां पर मैं पर्सनली इस न्यूज को सुनकर काफी शॉक हूं, क्योंकि गाइस मुझे तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगा था कि WWE के लॉकर रूम के अंदर भी बैक स्टेज फाइट्स होती होंगी। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में टाइटल डिजाइंस के चेंज होने की। वेल गाइज अगर आप लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो आप लोगों को ये बात जरूर याद होगी कि आज से करीबन एक से दो महीने पहले WWE के अंदर टाइटल डिजाइन के चेंज होने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी रूमर चल रही थी। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि WWE कंपनी पॉसिबली एक बार फिर से उनके वॉर टाइटल को चेंज करने वाली गए। बट गाइज अब इस हफ्ते PWI Insider ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के टाइटल डिजाइन के रिसेंटली चेंज होने के बाद
बाद अब WWE आने वाले लंबे टाइम तक उनके कंपनी में किसी भी टाइटल डिजाइन को चेंज नहीं करने वाले गए। और गाइज फिलहाल के लिए WWE के अंदर कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला है। वेल गाइज ये तो बात ही WWE के टाइटल डिजाइन की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर वुमन चैंपियन रकुल रोड्रिग्ज की। वेल गाइज बात करें यहां पर रकुल की, तो गाइज इस हफ्ते रकुल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रकुल ने यहां पर WWE में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गए, जहां पर रकुल का ये कहना है कि वो यहां पर WWE के अंदर एक बड़े फैक्शन को ज्वाइन करना चाहती गए और ये फैक्शन और कोई नहीं बल्कि रे मिस्टेरियो का फैक्शन LWO है। और गाइज यहां पर रकुल का ये कहना है कि वो यहां पर LWO के सभी मेंबर्स को काफी ज्यादा पसंद करती गए और जिस तरीके से WWE के अंदर LWO यहां पर लैटिनो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती गए उस चीज को देखकर लपूल यहां पर काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज वो यहां पर ये होप करती गए कि फ्यूचर में वो भी LWO फैक्शन को ज्वाइन करेंगी और वो यहां पर उनके लैटिनो भाई सुपरस्टार से काम करेंगी। वेल गाइज आपको क्या लगता है, रकुल को लैटिनो फैक्शन LWO को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के करंट सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज बात करें यहां पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज अगर आप लोग मेरे ओरिजिनल चैनल इलीट मनिया को फॉलो करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल फरवरी में ओवर होने वाला है। और गाइज यहीं अभी सप्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब विल ऑस्प्रे से यह पूछा गया कि क्या वो यहां पर पॉसिबली WWE कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए, तो गाइज ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली WWE कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है और अगर यहां पर WWE कंपनी या विल ऑस्प्रे को मोटे पैसे देती गए तो वो यहां पर WWE पर भी आने वाले गए। और गाइज ऑस्प्रे का ये कहना है कि WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनसे यहां पर विल ऑस्प्रे रेसल करना चाहते गए और इनमें सबसे बड़ा नाम WWE के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेट रॉलिंस है। गाइज ऑस्प्रे का ये कहना है कि सेट रॉलिंस WWE के अंदर अपने आप को बेस्ट रेसलर कहते गए, बट गाइज यहां पर विल ऑस्प्रे को ये लगता है कि विल ऑस्प्रे जिस तरीके से रेसल करते गए सेट रॉलिंस उसका 50% भी रेसल नहीं कर सकते गए। और गाइज इसीलिए अगर ऑस्प्रे WWE को ज्वाइन करते गए तो गाइज WWE के फैंस को फाइनली ये पता चलेगा कि सेट रॉलिंस के मुकाबले विल ऑस्प्रे कितने बेहतरीन रेसलर है। गाइज कुछ इस तरीके से ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने WWE पर उनके डेब्यू को तो टीज ही कर दिया है, बट गाइज इसके साथ साथ ऑस्प्रे के इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने इनडायरेक्टली सेट रॉलिंस को चैलेंज भी कर दिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विल ऑस्प्रे के WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेट रॉलिंस को कॉल आउट करने के बाद सेट रॉलिंस विल ऑस्प्रे को लेकर क्या रिस्पॉन्स करते गए। बट गाइज आप लोग विल ऑस्प्रे को WWE पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।